2023 इन तीन राशियों वालों के लिए रहने वाला है भाग्यशाली। भाग्य के रास्ते खुलने वाले हैं, जो कार्य रुके हुए थे वह सब पूर्ण होने वाले हैं। शनिदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा आप लोगों पर होने वाली है। आप सभी को शनि की साढ़े साथी और भैया से मुक्ति प्राप्त होने वाली है। वे तो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो शनिदेव की कृपा के पात्र बनेंगे, यानी जिन पर भगवान शनिदेव की कृपा होगी वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर जो राशियां हैं 2023 से लेके और 2033 तक रहने वाले हैं, उन राशियों के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिनके जीवन में 2023 में खुशहाली आने वाली है, सारे मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं, वाहन का सुख, भूमि का सुख, नए घर का सुख और मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव को कर्म का देवता बताया गया है, यानी कि जो मनुष्य अच्छे और उत्तम कार्य करता है उन पर भगवान शनिदेव की दया दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो गलत कार्य करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, उनका धन छीनते हैं या किसी से ऋण ले लिया है, धन ले लिया उसको वापिस नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों पर शनिदेव हमेशा रुष्ट रहते हैं। कभी भी उनका जीवन नहीं बदलता है, कभी भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन में अपने विचारों को, अपने कार्यों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, उत्तम रखना चाहिए, ताकि शनिदेव शनिदेव भगवान की कृपा बनी रहे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव भगवान राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके वह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके कारण मिथुन और तुला राशि वालों को शनिदेव की ढैया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, तुला राशि और मिथुन राशि, जो संघर्ष का समय इनका चल रहा था, जिसके कारण शत्रु इन्हें परेशान कर रहे थे, धन की हानि हो रही थी, परिवार में खुशी का प्रसन्नता का माहौल नहीं था और मन चाही वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी ढैया के कारण, तो अब ढैया से मुक्ति प्राप्त होने वाली है। यानी 2023 आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके नए नए मार्ग खुलने लगेंगे और मन चाही वस्तुओं की प्राप्ति होने लगेगी। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा समय शनिदेव भगवान ये प्रदान कर रहे हैं। 7.5 साल के पश्चात धनु राशि को मुक्त कर रहे हैं 7.5 साथी से। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके जीवन में भाग्य प्रबल होने वाला है। शनिदेव महाराज आपको बहुत कुछ प्रदान करके जाने वाले हैं और आप अच्छी अच्छी प्लानिंग करना आरंभ कर दीजिए। अच्छे कार्यों के लिए आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन, आपका समय परिवर्तन होने वाला है। रुके हुए कार्य, रुका हुआ बिजनेस अब दुगनी रफ्तार से, कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। जो लोग आपको देखकर ईर्ष्या करते थे, जलते थे, वही आपका अब सम्मान करेंगे, क्योंकि शनिदेव ने आपको मुक्त कर दिया है। आपकी राशि पर से शनिदेव की साड़ी साथी हट गई है। आपको शीघ्र ही अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार प्राप्त होने वाला है। यदि कहीं नौकरी या व्यापार आपका चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप रोगी चल रहे थे, बीमार थे, बहुत पैसा आपने अस्पतालों में डाल दिया, फेंक दिया, बर्बाद हो गया, लेकिन अब सुधार होने वाला है। आपकी सेहत में, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। जो भी अब तक आपका खर्च हुआ है वह सब आपको धीरे धीरे करके वापस प्राप्त होने लगेगा। तो खुशियां मनाइए, आनंद से झूम उठिए, क्योंकि 2023 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपकी होने लगेगी।